नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। बहुत आसान है और उतनी टेस्टी भी है ये। तो आइए किस तरह बनानी है वो देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक भी ज़रूर दीजिए। तो आइए बनाते हम सोयाबीन की सब्ज़ी। आज हम बना रहे हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। एकदम मसालेदार है ये सब्ज़ी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है ये। तो आइए किस तरह बनानी है वो देखते हैं। सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन। सोयाबीन हमने 100 ग्राम लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटे हुए, आधा टीस्पून चाहिए हमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लिया हमने गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2 टेबलस्पून दही, 1 लंबे में कटा हुआ प्याज और 4-5 कलियाँ लिए हमने लहसुन की। इसका पेस्ट बनाएंगे हम। तड़का लगाने के लिए चाहिए हमें 1 तेज़पत्ता, 8 से 10 हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं, 2 पॉड्स लिए हमने हरी इलायची के, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और लौंग लिए हमने 4, आधा टीस्पून जीरा चाहिए। तो आइए पहले हम सोयाबीन को बॉईल कर लेते हैं। 2 ग्लास पानी हमने बॉईल करने के लिए रखा है और इसको अच्छे से उबाल आया है। इसमें डालेंगे हम आधा टीस्पून नमक और हमारे सोया चंक्स है ये इसमें डालेंगे और 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। सोया चंक्स हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। गैस ऑफ करेंगे और इन्हें हम एक छलनी में निकाल लेंगे और ये ठंडे होने के बाद हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। सोया चंक्स हमारे ठंडे हो चुके हैं और इसका पानी निकाल लेंगे हम इस तरह से निचोड़ के और बॉल में डालते जाएंगे। सोया चंक्स का हमने पानी निकाल लिया है, अब इसे हम मैरिनेट करेंगे और इसके लिए हमने लिया है ये दही। दही को फेंट लेना है हमने अच्छे से। सोया चंक्स में डालेंगे हम आधा टीस्पून नमक, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये फेटा हुआ दही, और इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। मैरिनेट करके हम इस पर ढक्कन लगा के रख देंगे और आइए हम बाकी का मसाला बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई रख दी हमने, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल डाला है हमने और इसमें हम ये प्याज है, प्याज को अच्छे से भून लेंगे, लंबा कटा हुआ प्याज क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। और इसमें डालेंगे ये लहसुन की कलियाँ, दोनों को अच्छे से भून लेते हैं हम। हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, गैस ऑफ करेंगे हम और इसे हम ठंडा करके हमें मिक्सी में इसे पीस लेना है। प्याज को हमने मिक्सी में डाल लिया है, ठंडा हो चुका है ये, इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज का और लहसुन का हमने पेस्ट फाइन पेस्ट बना लिया है। आइए हम सोयाबीन की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई रख दी हमने, उसी कढ़ाई में हम करने वाले हैं सब्ज़ी और मैं डालूंगी इसमें तेल। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे ये जीरा। जीरा को हम क्रैकल होने देंगे, जीरा क्रैकल हो चुका है। इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च के दाने और ये हरी इलायची। सबको हमने अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भून चुके हैं हमारा जीरा, तो इसमें डालेंगे ये बारीक कटा प्याज और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसमें हम अब डालेंगे मसाले।
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये हमारा रेगुलर जो मसाला होता है वो, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे भून लेंगे। और इसमें डालेंगे हमने ये प्याज का पेस्ट जो बना लिया है मिक्सी में, वो डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। हमने प्याज का पेस्ट भी इसमें अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे ये बारीक कटा टमाटर, इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमको ये टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाना है, इसलिए मैं इसके ऊपर रखूँगी ढक्कन, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। लीड निकालेंगे हम और इसे एक बार मिला लेंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, और इसमें हम डालेंगे ये सोया चंक्स जो हमने मैरिनेट करके रखे हैं। इसे हमने मिला लेना है अच्छे से। 2-3 मिनट के लिए हमने इसे भून लेना है। इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता, मिला लेंगे इसे। और इसमें हमने डालना है 1 से 1.5 कप पानी, और इसको हमने अच्छे से एक उबाल लाएंगे। पहले अच्छे से बॉईल आ चुका है इसमें। इसमें डालेंगे हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला, एक बार मिला लेंगे। और हमें ये सोयाबीन की सब्ज़ी ढक्कन रख के लीड लगा के हम 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। लीड निकालेंगे हम। बहुत अच्छे से हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। तैयार है हमारी सोयाबीन की चटपटी सब्ज़ी। गैस ऑफ करेंगे हम, और इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करने वाले हैं। तैयार है हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी, और इस पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश करेंगे। और ये खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर दीजिए, और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तैयार है हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी। बहुत आसान है, उतनी टेस्टी भी है ये। दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी हेल्दी भी है ये। तो ज़रूर बना के देखिए, और आपके अनुभव ज़रूर मुझ तक शेयर कीजिए। यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मेरी रेसिपी को यूँ ही लाइक दीजिए, और इन्हें यूँ ही शेयर करते रहिए। आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूँ ही आशीर्वाद देते रहिए। और ये मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।